नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ में इस घंटी के आइकन को आप जरूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट को लेकर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो सबसे पहले आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित कोई भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए। जैसा कि दोस्तों, अभी 2 नवंबर को सेकंड ग्रेड का एग्जाम खत्म हुआ है और अब 15 जनवरी से फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम शुरू होने वाला है। इसलिए फर्स्ट ग्रेड के अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को परीक्षा आगे बढ़वाने के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिससे अशोक गहलोत जी के ये मामला ध्यान में आ गया है और अब सब कुछ सरकार के हाथों में है, अशोक गहलोत जी के हाथों में है कि वो एग्जाम डेट को आगे बढ़वाते हैं या नहीं। इसके लिए आप देख सकते हैं आज के समाचार पत्र की न्यूज है, ये जयपुर की न्यूज है। आप देखें कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़वाने की मांग को लेकर बुधवार को अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की, साथ ही उक्त परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद करवाने को लेकर ज्ञापन दिया। अभ्यर्थियों ने बताया कि फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 15 से 23 जनवरी तक होना प्रस्तावित है। वहीं द्वितीय श्रेणी शिक्षक के लिए परीक्षा हाल ही 2 नवंबर को खत्म हुई है और यह परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों में से लगभग 80% अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा भी देंगे। इस कारण 15 जनवरी को प्रस्तावित उक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है और एग्जाम डेट को थोड़ा आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके लिए सभी अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से रिक्वेस्ट की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अब देखना ये है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, लेकिन फिलहाल दोस्तों मुश्किल लग रहा है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। इसलिए अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि 15 जनवरी से ही एग्जाम डेट मानते हुए अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि एग्जाम डेट को आगे बढ़ने के लिए अभी कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं आया है, फिलहाल केवल संभावना ही व्यक्त की जा रही है। इसलिए अभ्यर्थी अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों।